हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्रीकाल। चले करते हुए घोड़े के बारे में सीधी बात बिना किसी पास। टोयोटा ने मारुति सुजुकी आर्टिका पर बेस्ड रोमियोन को डेब्यू कर दिया है। टोयोटा जल्दी ही इस गाड़ी का प्राइस भी अनाउंस करेंगे। ग्लांजा की तरह ही इस गाड़ी को भी मारुति सुजुकी ही टोयोटा को सप्लाई करेंगे। अब टोयोटा के पास 4 MPVs हो चुकी हैं, रोमियोन, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और टोयोटा वेलफायर। आर्टिका के मुकाबले रोमियोन में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे न्यू बम्पर, न्यू फॉग लैंप्स, इनोवा क्रिस्टा से इंस्पायर्ड ग्रिल होगी, ब्लैक्ड आउट डैशबोर्ड विद वुडन इंसर्ट्स, लेकिन इसकी अपहोल्स्ट्री आर्टिका जैसी ही रहने वाली है। ये गाड़ी 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी अवेलेबल होगी। टोयोटा इस गाड़ी को साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करने वाली है। इसमें मारुति वाला ही 1.5 लीटर का नेचुरल स्पिरिटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 103 bhp पावर प्रोड्यूस करेगा और 107 Nm की टॉर्क। इस गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। इस गाड़ी में CNG किट भी लगी हुई होगी, जिससे इसका इंजन 88 bhp पावर प्रोड्यूस करेगा और 121.5 Nm की टॉर्क। टोयोटा के हिसाब से गाड़ी पेट्रोल में 20.51 किलोमीटर पर लीटर देगी, जबकि CNG में गाड़ी 26.11 किलोमीटर पर kg देगी। तो बस ये सब कुछ। अभी वीडियो में वीडियो से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर करें। उसके अलावा QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट जरूर जरूर भेजें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।